कहीं ना कहीं वो प्रशासन से परेशान हो गए, परेशान हो गए बनी। हम चाहत नहीं मैंने हमारा को आधार होकर के चाहे जाना से हम सुरक्षित चाहे बच रहे, चाहे हमारा काल कुछ हो तो बा तो हम हमारा सामने वो हमारा परिवार के लगे प्रूफ रहे, चाहे केहू के घटना घटे हमारा घरे तो है। लेकिन जब जहाँ एफ आई आर होता नहीं करता हमारे लगे प्रूफ का बात करते नहीं। मनोज प्रभाकर के प्रभाकर जी तो पहले वहीं से रिकॉर्ड निकाल के रखे नहीं, जैसे मामला सामने आई नाम सामने बता दें कोई धारा बा, मगर बड़ा तेज तरह रोगा है महाराज वहाँ के एक्शन नाली संभव बा। अभी अभी हम का कही हमारे संगे जो भज बताओ रोग से कहते हैं के कट्टा लेके घूमत हो नाम बा, नाम बा ना नाम हमारा दरखास्त में बा कह रहे डेरा तो निकाल नाम धरे से कहे हम डेरा नहीं की राहुल सिंह बड़न आ उनकर मामा बड़न पप्पू सिंह आ एगो और उनकर भाई बा भीम सिंह मोहित सिंह उर्फ भीम सिंह ये लोग धमकी रोई देता है। दरोगा साहब दरोगा जी कहते हैं कि जो हम आपको चार दिन में अरेस्ट करेंगे आप दारू पीकर रोई नाटक करते हैं। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। हम ही राजा और मैच बॉक्स लोग के धीरे धीरे भारत के संविधान के साथे जवन प्रशासनिक सिस्टम बा उसे मन अगुता गई बा, कहीं ना कहीं विश्वास उठता। मामला जुड़ल बा पचरुखी थाना क्षेत्र से। पचरुखी के बात कर जला तो जा बहुत ही तेज रहा थाना प्रभारी बानी नाम रुआ जाना धोखे। मामला जुड़ल बा कि एगो भैया बानी यहाँ के आलापुर के निवासी हैं, यहाँ के साथ का घटना घटता जाने के प्रयास कर जाता। क्या मामला बा भैया? मामला यह बा जे झगड़ा झंझट भइल, हम गइनी आवेदन लेके, आवेदन लेके गइनी वो पार्टी डाला आवेदन, अरेस्टिंग भी एगो फोटो हमी के देने छ वीडियो आदमी अथी हथियार के, ओकरा बाद वो आवेदन हुई थी हमारे मैंने ना लिखा पौलस, ओकरा बाद हम फिर गइनी SP यहाँ अथी कही दरखास्त दे दी, फिर एगो स्पीड पोस्ट कहनी अनी फिर हम जो हमारे आवेदन के का होता है FIR, तो हमको दरोगा जी ने बोले कि जे हम आपको अभी चार दिन में अरेस्ट करेंगे, दारू पी कर रोज खेला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। हाँ हम बोले कि भाई कहा है सब ठीक है आप कीजिए, तब नहीं बोले यही मामला के रोग एफ आई आर करे को हुए एफ आई आर हम अपने करने के लिए अच्छा रोग एफ आई आर करे तो दारू पिए का मामला कहाँ से हुआ? कहाँ से? वो दरोगा जी ने बोले हम के हो दरोगा हो जा वो GM के प्रभाकर। अच्छा एमके मनोज कुमार प्रभाकर ये महाराज वगैरह तेज तरह दरोगा है जी तेज तरह जो है तब भय देनी हमारा के परसों के बाद वैसे बता देते हैं जे काल हमने के कहनी सब जब हमारे FIR जांच होकर तो दर्ज करी जा, यही पर दरोगा साहब दरोगा जी कहते हैं कि जो हम आपको चार दिन में अरेस्ट करेंगे आप दारू पीकर रोज नाटक करते हैं। तो डोबा दारू पिए नहीं? वही तो वह जानते हैं कौन कहा है कौन नहीं कहा है क्या बात है। हम गए थे अपना दुख के लिए और हमको धमका रहे थे धमकाओ तो नहीं अपना दुख करने मतलब क्या हुआ? धमकाना नहीं हुआ, धमकी देना हुआ। और अगला के जो हम देले बनी ओकर प्रति आए ले ओदी जो तो ओकरा बाद बिहान भेला जे जान से मारे के धमकी देला सुरु कोई एगो काटा के समय हम देलो हम बनी ते खइबो पहिले सुरु हम के मार देब संग देव के ना छोड़ संग होई हो तो हमरा आए ले आवेदन ना स्वीकृत भई जे हम कोनो अपन के सुरक्षा मानी की रो पर के कट्टा लेके घुमत हो नाम बा नाम बा ना नाम हमरा दरखास्त में बा कह रहे डेरा तो निकाल नाम धरे से कहे हम डेरा नहीं की राहुल सिंह बड़न आ उनकर मामा बड़न पप्पू सिंह आ एगो और उनकर भाई बा भीम सिंह मोहित सिंह उर्फ भीम सिंह
ये लोग धमकी रोई देता है क्या है करते हैं विवाद तो हो रहा है विवाद तो पूछो ना विवाद बात बात के विवाद पर आके हमारा 14 तारीख की घटना 5 बजे के हमारा दुआ पर आके छुरी लाठी डांटा लेके हमारा पिताजी के खिसी आवे ना तो लोग हैं हम बोले तो हमरो को दो चार हाथ दी हलो हैं उनको हल्का फुल्का चोट रहे हमारे पिता जी के जबकि उनकी उम्र 85 साल है अब घरे अकेले ही रह सब लोग आ गए तो अब यह भयल गर्भात ढेर तो बंग होगा अभी तो पहले एगो 307 के रिकॉर्ड बा थाना में दर्ज बा जबकि वहाँ के कहते हैं कि केस नंबर लाइए हमको केस नंबर गांव भर का नहीं ना हमारे पास है केस नंबर तो थाना में होगा हम उसमें लिखे भी है कि जे इनका पहले से इन लोगों का रिकॉर्ड है 307 का तो बात करते नहीं मनोज प्रभाकर के प्रभाकर जी तो पहले वहीं से रिकॉर्ड निकाल के रखे थे जैसे मामला सामने आई नाम सामने बता दें कि कोई धारा बात बड़ा तेज तरह रोगा है महाराज वहाँ के एक सौ नाली संभव बा अभी अभी हम का कही हमारे संगे जो भज बताओ रोग से कहते हैं हमारे संगे तो जो घटना कब के है घटना 14 तारीख है 14 से हम धावा तनी थाना से लेके आया एस पी ऑफिस 14 से अभी तक अभी तक अभी ले हमार जोन बा एफ आई आर ना भाई एक महीने में एफ आई आर ना भाई अब काल गई रही फिर एस पी यहाँ से आई रहे एस पी साहब यहाँ से तो एफ आई आर खातिर जब जब मैंने आये तो जांच हुई जांच में छोटा बाबू आये रहे आइले के बाद हम बिहान गोइनी अपन दर्ज करावे तो ये सुने के मिलो जब भागते हैं कि नहीं चार दिन बाद रेस्ट करेंगे हम दरोगा जी के साथ बड़ा बाबू के थाना प्रभारी के तो भाग गई तब का करी हम मुझे झगड़ा ना करो तो वो तो मारपीट कर हम कहा मारपीट अगर हम हमने के मारे के मान लीजिए हमारे के देख ली हमारा वो दूजा ना पूरे बड़े तो उनके उम्र 85 एक आदमी के एक आदमी को 80 और वो यंग लोग बा हम का मार हम अपना दुकान पर क्यों कमार पिट कर जाते नहीं है तो दरोगा तो जांच कोई लोग नहीं जांच जांच भेज बा जांच में का रिपोर्ट भाई हमारा काम मालूम बा गलत के सही बा कि सही के गलत बा का रिपोर्ट बा दी हम का प्रशासन करते प्रशासन से का अपील करे चाहते हैं अपील ये जो हमारी एफ आई आर का है मैंने 14 तारीख से हम झूलत नहीं हमारी एफ आई आर ना लिखाई का है कल अगर हमारे जान पर कोनो खतरा हो जाए हाँ एगो गोली मार दे कुछ हो जाओ तो एक जिम्मेवारी के बा प्रशासन तो नहीं है हमारे लगा आधार का बा कोनो आधार कोई आधार नहीं है कहीं ना कहीं वो प्रशासन से परेशान हो गए परेशान हो गए बनी हम चाहते नहीं जब हमारा कोनो आधार हो के चाहे जाना सब सुरक्षित चाहे बचा रहे चाहे हमारा काल कुछ हो तो बा तो हम हमारा सामने वो हमारा परिवार के लगे प्रूफ रहे चाहे केहू के घटना घटे हमारे घरे तो है लेकिन जब जहाँ एफ आई आर होता नहीं कहता हमारे लगे प्रूफ का बा आवेदन का क्या मतलब बा कहते तो परेशान बनी हम आवेदन के माने कहीं सुनवाई नहीं के कहीं सुनवाई नहीं के चलिए मामला रुवा जाना चलिए कि पचरुखी के हो जहाँ तेज तरार थाना प्रभारी एम के प्रभारी जी बनी एमके सॉरी मनोज प्रभाकर जी बानी और मनोज प्रभाकर जी के नाम हुआ जानते हो के मैच बॉक्स के व्यूअर हैं तो और अच्छा से जानत हो के खैर कोनो बात नहीं वहाँ दरोगा आई वहाँ कुछ कर सकते नहीं ये बात के लोग मान ले बा और क्या बात ये जो नहीं की कहो तो हमारा मैंने हमारे एफ आई आर दर्ज नहीं था भाई और बात से बताते नहीं जे वहाँ के धमकी अरे बोलने पर बॉल बता रहे कबो कर सकते नहीं हमारे के दारू पकड़ के धके गांजा धके कुछ हो धके हम ये बात के नहीं की कहते वहाँ के पावर का हमारे लगे कौन पावर नहीं था वो साधारण आम आदमी है लेकिन हमारा हमारे जो बा दुख के वहाँ के दर्द के समझत नहीं चाहते हैं कि जब इस तरह का हमको कल बोल दिए हैं और कहते हैं कि जब हम चाहेंगे तो हम कभी भी किसी धारा में किसी एक्ट में हम फंसा सकते हैं के फंसा दी रुक के बड़ा बाबू पचरुखी के जो एम के प्रभाकर जी है वो तो हम इससे भी मैंने क्या भारत में न्यायालय वाला महाराज न्यायालय के पास तो 14 तारीख से हम धा रहे हैं 5 बजे से है एसपी साहब से कहते हैं कि हम मेंटेन कर लेंगे है अपना हम मैनेज करते हैं मैंने के मैनेज करी एसपी साहब से बड़ा बाबू के बड़ा बाबू अरे वो एम के प्रभाकर जी मनोज प्रभाकर जी मनोज प्रभाकर जी चलिए ठीक है चलिए मामला कहीं ना कहीं न्यायालय पर से न्याय पर से उठा था न्यायालय पर तो विश्वास बा भारत के नागरिक न्यायालय पर विश्वास रही लेकिन कहीं ना कहीं पुलिसिया सिस्टम से बिहार के लोग परेशान बा नीतीश कुमार जी कुछ भी कह देते सदन में क्या कहो एक बवाल जानते नहीं
का करें सरकारे जब वो भी तो प्रशासन कहे ना बोलो मैच बॉक्स की बात देखते रहे मैच बॉक्स जिला प्रशासन से आग्रह बा कि वीडियो के संज्ञान में लिया जाओ और वीडियो के सतह पर उचित कार्रवाई कर जाओ।